नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रंजना। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मामूली से विवाद को लेकर पुलिस कर्मी ने व्यक्ति को किया अधमरा, वार्डवासियों ने विरोध जताते हुए स्मृति थाने का किया घेराव। आगामी चुनाव की रणनीति को लेकर पूर्व सांसद अभिषेक सिंह ने बैठक का किया आयोजन, जहां उन्होंने पार्टी से जुड़ी विशेष मुद्दों पर की चर्चाएं। मुर्सीपार स्थित जोन 3 पानी टंकी के पास भगवान गणेश की मूर्ति खंडित करने पर लोगों में फूटा आक्रोश, अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज कराया गया अपराध। मणिपुर के इम्फाल में आया भूस्खलन, भिलाई निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे हुए शहीद, उनकी शहादत को याद करते हुए भिलाई वासियों ने अर्पित की श्रद्धांजलि। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। जब रक्षक करने वाला ही भक्षक बन जाए तो क्या होगा, मामला जामुल थाने अंतर्गत का है। भारत बंद के दिन मामूली से विवाद के चलते पुलिस वाले ने एक व्यक्ति को ऐसा मारा कि व्यक्ति अधमरा हो गया। वार्डवासियों द्वारा कार्यवाही की मांग को लेकर स्मृति नगर थाने का घेराव किया गया। दरअसल जामुल थाना अंतर्गत भारत बंद के दिन एक व्यक्ति दुकान का शटर उठाने को लेकर पुलिस कर्मी अरुण सिंह ने व्यक्ति को इतना मारा कि व्यक्ति अब चोटों के साथ थाने पहुंचा है। वार्डवासियों ने पुलिस कर्मी अरुण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जामुल थाने का घेराव कर दिया। जब तक हमें न्याय नहीं मिलता तब तक हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वार्डवासियों द्वारा पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रार्थी का कहना है कि दुकान का शटर गिराने को लेकर पुलिस कर्मी अरुण सिंह ने दड़ा कर मुझे मारा, मोबाइल भी तोड़ दिया। पुलिस कर्मी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर थाने आया हूं। उच्च अधिकारियों से निवेदन करता हूं कि जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए। अधिकारियों का कहना है कि मारपीट का आवेदन प्राप्त हुआ है, दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 2 तारीख को अपने घर के पास दुकान है, मेरा घर और दुकान चौहान टेंट हाउस करके, वहाँ पे खड़ा हुआ था। तो उसके सामने पान ठेला नाश्ते का दुकान है, तो वहाँ पे मैं खड़ा हुआ था। तो एक पुलिस वाला है बिना ड्रेस के, तो आया तो ठेले वाले का हल्का शटर खुला हुआ था। तो मैं बोला हम लोग को तो संगठन आने 2 बजे खोलने बोला है, तो अपन दुकान खोलते थे। तो मैं वो जब पुलिस वाला आया ना तंबाकू लेने, तो उसी सामने हल्का से उठा दिया शटर को। तो वो बोलता है अबे तू कौन होता है खोलने वाला, ऐसा करके मैं और ऐसा गाल में 2 बार मार दिया पहले। उसके बाद मैं बोला भैया आप कौन हो, ऐसा करके अबे नहीं पहचानता तू मेरे को, पुलिस वाला हूँ, ऐसा करके ना लात में यहाँ 2 बार मार दिया। उसके बाद फिर मैं बोला अरे यार कैसा कर रहा है तू, ऐसा करके तो इतना मारा वो पुलिस स्टाइल में अपना फोन ना निकले इस टाइप का ना, लात ही लात बहुत मारा। और लात में देखो मारा भी है ना, तो मेरा मोबाइल वोबाइल सब फट गया है, पूरी इतना मारा छाती में देख लो मोबाइल फट गया है ना। उसके बाद में ना मैं अपने जान सहित मार दूंगा तेरे को, ऐसा करके धौड़ा धौड़ा बहुत मारा। तो फिर ना कैसे भी करके मैं भाग रहा था, फिर पकड़ लिया बीच में, फिर मारा वहाँ पर सीसी कॉटेज आया हुआ था, तो वहाँ का फोटो उसका आधे आया हुआ है, और जिधर और मारा था ना उधर का नहीं है। तो उसको बताते हैं, उस मोहल्ले को बताते हैं, गांजा बहुत पीता है वो, नशे में रहता है वो। आपका नाम? मेरा नाम शत्रुघ्न सिंह चौहान है, चौहान टेंट हाउस है वहीं पे घर के पास सिरसा रोड में। अच्छा, वो पुलिस का नाम? उसको सिंह बोलते हैं क्या, अरुण सिंह है सर। मैं तो उसको पहले ही बार देखा सर उस दिन, उसको जानता भी नहीं मैं। एक इसमें एक आवेदन प्राप्त हुआ है जामुल थाने के सिपाही के खिलाफ में, जिस पर आवेदन को रिसीव किया गया है, इसकी जांच की जा रही है। जांच के उपरांत जो तथ्य पाए जाएंगे उस अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। मारपीट का आवेदन जी 2 तारीख को हमारे व्यापारी भाई के साथ मारपीट किया गया, जिसमें पुलिस वाला गांजा पी के जबरदस्ती उनके साथ वो बैठा हुआ था बेचारा, और उसके साथ ना लड़ाई झगड़ा करने लगा और गाली गलौज उनके घर में घुस के मारा है। केवल कुल मिला के उनको दादागिरी का दिखाना था और ये दिखाना था, पूरे मोहल्ले में घूम घुमा के मारा। वीडियो रिकॉर्डिंग भी हम पुलिस थाने में दिखा रहे हैं, तब भी अभी तक FIR दर्ज नहीं की, और अभी भी बोल रहे कि हम FIR दर्ज नहीं कर सकते। अब ये ही बोलते हैं कि कुछ टूटेगा कुछ हो जाएगा तब हम FIR दर्ज करें, ऐसे कहाँ करिए। FIR दर्ज करने के लिए अभी तक तैयार नहीं, और कुल मिला के 3 दिन हो गए हैं, आज भी FIR दर्ज हुआ। अभी हमारे पूरे 250-250 व्यापारी को कोका के व्यापारी संघ के लोग यहाँ आके हम धरना में बैठे। प्रार्थी है शत्रुघ्न चौहान, जो हमारे चौहान टेंट हाउस का व्यापारी है, और वो चला रहा है। और
और जो पुलिस मारा है वो पुलिस वाला है, जामुल में जामुल थाने में पदस्थ है, और वो अपनी पुलिस की दादागिरी दिखाने के लिए कर रहा है। जो समाज का रक्षक है वही भक्षक बन के घूम रहा है, और दादागिरी करके ही लोग और जो लोग छुड़ाने आए थे उनको भी ये कर रहा था कि दादागिरी मैं पुलिस वाला हूँ, मैं तुम लोग को मारूंगा। और कई लोगों की हमारी गवाही हुई है, गाली गलौज जितने निंदनीय है वो बहुत निंदनीय काम किया गया पूरा इन लोगों। क्या नाम? तरुण सिंह, जो जामुल थाने में पदस्थ, अरुण सिंह। राजनांदगांव के पूर्व सांसद अभिषेक सिंह दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया व आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतियां तैयार की। आगामी 2023 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए अभिषेक सिंह दुर्ग पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। साथ ही आगामी चुनाव की रणनीति को भी तैयार करने के साथ ही आने वाले दिनों में प्रदेश की राज्य सरकार को घेरने के लिए व आगामी दिनों में धरना प्रदर्शन करने की बात कही। उन्होंने इस दौरान एक पोस्टर का विमोचन भी किया, जिसमें प्रदेश सरकार में हो रही अव्यवस्थाओं सहित बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया गया। बाइट पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। फाल में हुए भूस्खलन की चपेट में आने से भिलाई निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे शहीद हो गए। उनकी शहादत की खबर के बाद संपूर्ण भिलाई में शोक की लहर व्याप्त है। भिलाई के भूतपूर्व सैनिक संगठन द्वारा शहीद कर्नल कपिल देव को 2 मिनट मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। 107 बटालियन गोरखा राइफल्स मणिपुर में तैनात लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे मणिपुर के नोने जिले के तुपुल में रेलवे ट्रैक व स्टेशन निर्माण स्थल पर एक बड़े भूस्खलन के बाद बुधवार से लापता थे। रविवार को उनका शव बरामद कर लिया गया है। दिल्ली में कर्नल कपिल देव पांडे को सैनिकी सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी श्रद्धांजलि व्यक्त की थी। कपिल देव पांडे नेहरू नगर पूर्व भिलाई के रहने वाले थे। वे शहर की वरिष्ठ महिला पत्रकार भावना पांडे के भाई थे। जिस समय यह हादसा हुआ उसके कुछ देर पहले वे भिलाई में अपनी मां से फोन पर बात कर रहे थे, फिर अचानक खबर आते ही भिलाई में शोक की लहर छा गई। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। कुर्सीपार में भगवान गणेश की प्रतिमा खंडित किए जाने का मामला सामने आया है। जोन 3 कुर्सीपार स्थित मंदिर में सुबह पूजा करने पहुंचे श्रद्धालुओं ने खंडित मूर्ति देखी तो यह बात धीरे धीरे आग की तरह फैल गई, जिससे लोगों में आक्रोश फूट पड़ा। आक्रोशित जनता वार्ड पार्षद के पास पहुंचकर कुर्सीपार थाने में जमकर हंगामा किया। हंगामा के बाद अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जोन 3 क्रांति मार्केट BSP पानी टंकी के पास स्थित मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा भगवान गणेश की प्रतिमा को खंडित कर दिया गया। मंगलवार सुबह जब मंदिर में पूजा करने श्रद्धालु पहुंचे तो इसकी जानकारी लगी। भगवान गणपति की प्रतिमा के खंडित भाग जमीन पर पड़े हुए थे। जैसे ही लोगों को इसकी जानकारी मिली वे मंदिर में जमा होने लगे। इसके बाद इसकी जानकारी वार्ड पार्षद शुभम झा को दी गई। मौके पर पार्षद शुभम झा, पार्षद दया सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सभी इसकी शिकायत लेकर थाने गए। थाने में FIR को लेकर आनाकानी की गई तो लोग थाने के सामने ही बैठ गए। हंगामे के बाद मौके पर CSP विश्वास चंद्राकर पहुंचे और इसके बाद अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया। ASP विश्वास चंद्राकर ने बताया कि इस मामले में अपराध दर्ज कर लिया गया है, आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। ASP विश्वास चंद्राकर ने लोगों को आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। CSP के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोग अपने अपने घर लौटे। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। बताएंगे कि आज एक मंदिर में गणेश भगवान की मूर्ति को तोड़ा गया है, इस पे कुछ देर के लिए आपने धरना प्रदर्शन भी किया, क्या मामला है ये? क्योंकि कुर्सी पार जोन 3 का मामला है और गणेश जी की मूर्ति स्थापित वहाँ कई सालों से माँ मंदिर है, पूजा पाठ आमतौर पर सब करते हैं, वहाँ पर किसी शरारती तत्व ने बहुत निर्दयता, जैसे एक हाथ फिर एक हाथ ऐसा उन्होंने उसको पत्थर के द्वारा तोड़ा। और ये जानकारी मिलने के बाद हम सब लोग वहाँ पर बैठ गए और बैठ के फिर पुलिस प्रशासन से मांग की और FIR हमने करवाया। FIR के साथ में CSP साहब का पूरा आश्वासन था कि शाम रात तक हम अपराधी को पकड़ लेंगे, कैमरे वगैरह यहाँ वहाँ सब जगह से पता कर रहे हैं। ये आमतौर पर ये देखा जा रहा है कि सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के ही मंदिर और भगवान के ऊपर आक्रमण होता, कभी कोई कुछ बोल देता है, कभी तोड़फोड़ होती है। तो ये घटना के लिए हमने साफ तौर पर कहा है कि इसको पूरी तरह संज्ञान लेके आप इस पर FIR तो किए, क्योंकि FIR भी कराना था, किए, अब उसके बाद गिरफ्तारी भी हो
और आगे उसको ऐसी कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि आने वाले समय में इस तरह की निर्वृत्ता किसी भी प्रकार का व्यक्ति कोई भी हो इस तरह का काम ना करें, इससे हिंदू समाज आहत होता है और हम लोग काफी तकलीफ और आहत के साथ में हैं और पूरा समाज एकजुट होकर इस बात का आह्वान किया है। इस तरह का कृत्य अगर दोबारा इस तरह का देखा जाता तो बहुत विषम परिस्थिति होगा और उसके लिए फिर प्रशासन जिम्मेदार होगा। पालिक निगम भिलाई क्षेत्र के सेक्टर 7 के लोकप्रिय पार्षद लक्ष्मीपति राजू के द्वारा सेक्टर 7 स्थित शिव धाम में इस वर्ष सावन महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। इस वर्ष इस कार्यक्रम का संचालन क्षेत्र की महिलाएं करेंगी, जिसे लेकर मंगलवार को सेक्टर 7 में बैठक आहूत की गई। सेक्टर 7 स्थित शिव धाम में प्रतिवर्ष वहां के लोकप्रिय पार्षद लक्ष्मीपति राजू के द्वारा श्रावण मास में आयोजन किया जाता है, परंतु विगत 2 वर्षों से शासन प्रशासन की तरफ से कोविड गाइडलाइन के अनुसार यह आयोजन नहीं हो पाया था। इस वर्ष इस महामारी से राहत मिलने के बाद वृहद स्तर पर इस आयोजन को करने की तैयारियाँ की जा रही हैं, जिसे लेकर सेक्टर 7 के पार्षद लक्ष्मीपति राजू ने क्षेत्र की महिलाओं के साथ बैठक आयोजित की। इसमें महिलाओं को इस वर्ष होने वाले आयोजन की जिम्मेदारी सौंपी गई। महिलाओं द्वारा बेहद अच्छे सुझाव दिए गए, जिससे इस वर्ष आयोजित होने वाला सावन महोत्सव चर्चा का विषय रहेगा। बाइट वियो सावन मास में भगवान शिव की आराधना पूरा विश्व करता है और कहा जाता है भगवान शिव की आराधना सावन मास में करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है और भगवान शिव अपने सभी भक्तों की मनोकामनाएँ भी पूर्ण करते हैं। बैठक चल रहे हैं ये हमारा सेक्टर 7 शिव धाम जो सेक्टर 7 तालाब है। ग्रैंड न्यूज के लिए भिलाई से हर्ष सोनी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, खबरें और भी है, बनी रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोमिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी, तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वासु गुरु जी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिक निगम अंतर्गत पुलगांव गौठान नगर स्थित गोकुल नगर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नगर पालिक निगम अंतर्गत पुलगांव गोकुल नगर स्थित गौठान में आयुक्त प्रकाश सर्वे पहुंचे। इस दौरान सहायक अभियंता वीपी मिश्रा, उप अभियंता विनोद मांझी, सहायक स्वास्थ्य अधिकारी जावेद अली के साथ उन्होंने संपूर्ण गौठान का भ्रमण कर सभी उत्पादों की बारीकी से अवलोकन किया और आवश्यक निर्देश दिए। पदभार ग्रहण करते ही दुर्ग नगर निगम आयुक्त गोकुल नगर गौठान पहुंचे, जहां उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप गौठान को संचालित करने तथा गौठान के हर क्षेत्र का अच्छे से उपयोग कर मुर्गी पालन, बतख पालन, दूध उत्पादन जैसे कार्यों का निरीक्षण किया। आयुक्त प्रकाश सर्वे ने गौठान के संबंध में स्व सहायता समूह गायत्री घोटे से चर्चा कर जानकारी ली। उन्होंने गौधन न्याय योजना को एक महत्वाकांक्षी परियोजना बताया एवं इस परियोजना के तहत गौठान एक लघु औद्योगिक केंद्र की तरह विकसित होने की बात कही। आयुक्त सर्वे ने महिलाओं को अधिक स्वावलंबी बनाने की ओर वृहद रूप से कार्य करने को कल्याणम महिला स्व सहायता समूह की प्रशंसा की एवं आने वाले समय में रोजगार के माध्यम से एक आदर्श गौठान बनाने की बात कही। और जो गाय हैं जो हमारा पशु मार गए हैं उसके बारे में जानकारी दिया गया है और आगे उनकी कितनी रहेगी, किस चीज़ का उनका पालन कर रहे हैं, किस मुर्गी से बना रहे हैं जहाँ मुर्गी पालन भी किया जाएगा और कुछ खाद्य को पालन करने वाले समूह हैं जो सब्जी भाजी को पालन कर रहे हैं, तो ऐसे महिलाओं को अच्छे से अगर एक्टिविटी के माध्यम से जोड़ कार्यक्रम को आजीविका में सुधार लाने का प्रयास करें। सर पहले भी लाई थी वैशाली और अब दुर्ग, तो दुर्ग जैसा कि अपने आप में खास जिला आता और अब दुर्ग निगम के ही कमिश्नर है, तो उसको लेकर के कैसे देखते हैं आप? दुर्ग निगम में मैं पहले ज्वाइन किया हूँ, 1 सप्ताह बाद इसके प्लानिंग करते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। ये प्राथमिकता जो रहती है लोगों के लिए साफ सफाई, पेयजल और शहर प्रदर्शित करने का काम सभी आप लोगों से चर्चा करते हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। ग्रैंड न्यूज़ की बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।